हाँ मैं पागल हूँ चंपा तुम्हारे लिए। चंपा मैं पागल हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका अपना होस्ट, आपका अपना दोस्त नोबिता। आज हम लोग एक और निजी यूनिवर्सिटी में मौजूद है। यहां पर हम लोग उनसे खेलेंगे एक गेम। गेम क्या है? ट्रुथ और डेयर। जो हमारे सवाल का जवाब देगा उसको हम लोग प्राइज देंगे, अगर जवाब नहीं दे सकेगा तो वो परफॉर्म करेगा एक डेयर। तो आइए देखते हैं यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने, उनमें कॉमन सेंस है और वो किस तरह के मज़े के जवाब देते हैं। मुझे अब ये बताएं, कॉमन सेंस लड़कियों में ज़्यादा होती है लड़कों में? लड़कियों में होती है। वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर मर्द और औरत के बाल घुंघरियाले होते हैं? बाल सर के घुंघरियाले तो नहीं नजर आ रहे मुझे। सामने आ जाए ये बैठी, उनसे पूछे। जी बताएं। बताया तो है नहीं, गलत जवाब। कोई बात नहीं, डेयर करेंगी। अब डेयर करना पड़ेगा, डेयर लिमिटेड होगा, यहाँ पर ही हो सकता है। अच्छा, वो लड़की बैठी है, लड़की से लड़की के पास ही भेजेंगे। लड़की बैठी है, उससे आपने 100 रुपया मांग के लाना है किसी भी तरीके से। अच्छा ठीक है। ठीक है, वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो औरत में आगे होती है और भैंस में पीछे होती है? ऐसी कौन सी चीज है जो औरत में आगे होती है और भैंस में पीछे होती है? जी आई डोंट नो। नो आई डोंट नो। हाँ मैं पागल हूँ। आप में कॉमन सेंस है या नहीं? यार ये तो अल्लाह जानता है ना कि कॉमन सेंस है कि नहीं, बस इंसान से इस्तेमाल करता है। आपको क्या लगता है, लड़कियों में ज़्यादा होती है लड़कों में? ऑब्वियसली लड़कों में ज़्यादा होगी। लड़कों में ज़्यादा होगी, सवाल करूँ जवाब देंगे? पूछेंगे नहीं क्यों ज़्यादा होगी? नहीं। चलिए ठीक है। अच्छा, वैसी कौन सी चीज़ है जो औरत में आगे होती है और भैंस में पीछे? नहीं यार, औरत में आगे होती है और भैंस में पीछे। अकल वो क्या होता है? क्या होगा यार, औरत में आगे होती है भैंस में पीछे, औरत में आगे भैंस में पीछे। कोई किसी लफ्ज का कोई इशू तो नहीं आ रहा, नुक्ता वगैरह कुछ? पता नहीं, ये तो आपने बताना है, कॉमन सेंस आप में पता लगे कि है, आप किस तरह उसको यूज करते हैं और देखते हैं किस चीज में। सोचना पड़ेगा यार, जल्दी सोचने का टाइम मिलेगा? नहीं, सोचना पड़ेगा, बहुत लंबा काम है। चले, ये मतलब इनमें कॉमन सेंस नहीं है तो अभी इन्हें डेयर करना पड़ेगा एक छोटा सा। बस कभी हेल्प करनी चाहिए। नहीं, मैं आपको इधर दूंगा, आपको पता है बच्चे द्वारा कितने हैं। वैसी कौन सी चीज है जो औरत में आगे होती है और भैंस में पीछे? देखिए, भैंस की तो दुम होती है, वो पीछे होती है, औरत की दुम आगे नहीं होती। फिगर सॉरी, भैंस का तो होता ही नहीं है। अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता, इन्हें नहीं पता, तो इनसे डेयर करवाते हैं फिर।
अब ये डेयर करेंगे क्योंकि आपने जवाब नहीं दिया। हाँ हाँ मैं डेयर करा दो जो मर्जी कराना। अभी ये गेट दरवाज़ा है, दरवाजे से बाहर जो भी लड़की आएगी आपने घुटनों के बल पर बैठ के कहना है मैं पागल हूँ मैं पागल हूँ मैं पागल हूँ। ऐसी कौन सी चीज़ है जो औरत में आगे होती है और भैंस में पीछे? मोटापा। डेर ये है कि अभी यहाँ पर कैफे से कोई भी लड़की निकलेगी तो ये उसके आगे बैठ जाएंगे और कहेंगे चंपा मैं पागल हूँ, तीन दफ़ा ये कहेंगे, ठीक हो गया? जी ज़रूर। चंपा मैं पागल हूँ मैं पागल हूँ। जी तो आज आपने जाना कि लड़कियों में कॉमन सेंस ज़्यादा होती है या लड़कों में, और जिनमें कॉमन सेंस थी उन्होंने जवाब दिए और कुछ जवाब नहीं भी दे सके तो उन्होंने बड़ी शानदार तरीके से अपना डेयर करके दिखाया। तो इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पास आएँ और जानें क्या आप में कॉमन सेंस है या नहीं तो नीचे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और बात बड़ी अहम और ज़रूरी बात, घंटी बजाने के लिए होती है, बजाएँगे तो आवाज़ आती है टन, तो घंटी बजाएं और एंजॉय करें।